जैसे कि मैंने मोमेंटम के बारे में जिक्र करते हुए अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम लोग मोमेंटम के अंदर जो है वो गन की एग्जांपल को ले सकते हैं। गन और बुलेट दोनों ही मोमेंटम की एग्जांपल में आती है। जब गन और बुलेट को गन से फायर नहीं किया जाता तो उस वक्त हमारी बुलेट और हमारी गन दोनों ही रेस्ट पर होती है। और जब कोई चीज रेस्ट पर होती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब है कि उसका मोमेंटम जो है वो ऑटोमेटिकली ही जीरो हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो मोमेंटम है वो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अगर आपकी वेलोसिटी ही जीरो है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो मोमेंटम है वो भी जीरो हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फायरिंग से पहले आपकी गन का जो मोमेंटम है वो जीरो है। लेकिन जैसे ही आप बुलेट को गन से फायर करते हैं तो आपकी जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो है वो अटेन करती है। और बुलेट का अपना भी मास होता है, वो मासलेस तो चीज है नहीं, उसका अपना भी कुछ ना कुछ मास है। और हमारी गन जिसके अंदर से वो फायर की गई है उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, यानी कि मास दोनों ही चीजों का होता है। और बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है जिससे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। अगर यहाँ पर भी अब दो चीजें आती हैं, एक चीज तो न्यूटन का थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो हर चीज पे अप्लाई होता है, हमारे चलने पे, बुक्स के किसी टेबल पे पड़े होने से, बॉल को किक मारने से, या जैसे कि हम लोगों ने थर्ड लॉ में पढ़ा था कि किसी भी गाड़ी के सड़क के ऊपर चलने से, आपके पैदल चलने से, ये तमाम चीजें जो है न्यूटन के थर्ड लॉ में आती हैं। देखा जाए तो अब जो है वो बुलेट कहाँ मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारी बुलेट का मूवमेंट है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब है ये बुलेट का एक्शन हो गया। और हमारी जो गन है, जैसे ही बुलेट फायर होती है तो हमारी जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसका मतलब है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में गन का मूव करना ये रिएक्शन हो जाता है। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन तो होता ही है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने कहा जी कि हमारी जो बुलेट है उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन की है। और अगर आपको कभी कोई इत्तेफाक हुआ हो गन चलाने का, तो आपने देखा होगा कि जब आप गन को चलाते हैं तो बुलेट जितनी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करती है उतनी ही वेलोसिटी के साथ, उतने ही जोर के साथ आपके शोल्डर को एक झटका सा महसूस होता है। वो झटका इसीलिए महसूस होता है कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई कर रहा है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। और जैसे ही हम अब अगर हम मोमेंटम की बात करें, मजीद आगे मोमेंटम के पास जाएं, तो मोमेंटम में ये है कि जब हमारी गन बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम है वो जीरो है, लेकिन अगर मैं मोमेंटम आफ्टर फायरिंग की बात करूं तो आफ्टर फायरिंग जो है हमारा जो मोमेंटम होगा वो हमारी गन का मोमेंटम, गन का मास, और ये जी जो है वो गन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। सिमिलरली गन की वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ गन जो है पीछे की तरफ मूव करती है। सिमिलरली आपकी जो बुलेट है उसकी बुलेट का पहले मास आना चाहिए ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, मुझे लिखना चाहिए सबसे पहले बुलेट का मास आएगा जिसे एम बी लिखना चाहिए, और इसी तरह बुलेट की वेलोसिटी आएगी क्योंकि बुलेट भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आगे जाएगी, उसका कुछ ना कुछ मास है। सिमिलरली आपकी गन भी किसी ना किसी वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करेगी, उसका भी कोई ना कोई मास है। तो जो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग आएगा वो इन दोनों के मास इनटू वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट है उनके एडिशन के बराबर आएगा। अब फर्स्ट कर लीजिए कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में किसी एक चीज के बारे में नहीं मालूम, गन का मास भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और जो आपकी बुलेट है उसका मास भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से किसी एक चीज की वेलोसिटी दे दी जाए और किसी चीज की वेलोसिटी आपने मालूम करनी हो तो वो भी आप बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि लेट्स सपोज कि आपको जो है बुलेट की वेलोसिटी एम बी जो है वो अननोन है, आपको वो मालूम करनी है, तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे? इसे इस तरीके से मालूम किया जाता है कि आप जो गन का मास और वेलोसिटी है उसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पर एम बी इंटू वी भी आ जाएगा। अगर वी भी मालूम करना है तो ये माइनस एम जी
into VG divided by MB आ जाएगा, यानी कि जो माइनस साइन है ये साइन रिप्रेजेंट करता है असल में आपके जो गन है उसकी बैकवर्ड आने को, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन भी होता है, और ये नेगेटिव साइन ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी गन जो है वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस रिलेशनशिप से जो है वो आप मालूम कर सकते हैं कि बुलेट की वेलोसिटी क्या है। हो सकता है कि आपको बुलेट की वेलोसिटी पता चल जाए या आपको मालूम हो, तो आप गन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी कि किसी एक पैरामीटर के नोन होने से आप अननोन पैरामीटर आराम से मालूम कर सकते हैं। अब अगर मैं एक और चीज़ की बात करूं, वो चीज़ ये है जो इसी के साथ रिलेटेड है, वो ये है कि अगर मैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से या उस सिस्टम के अंदर ही मुख्तलिफ चेंजेस की वजह से जो है मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन उनका जो कलेक्टिवली मोमेंटम होगा, जो ओवरऑल मोमेंटम होगा उस सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो हमेशा सेम रहेगा। यानी कि इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई बम्बर जो है वो जेट है और उसके अंदर से कोई शेल फायर किया जाता है, आप यहाँ पर कोई शेल फायर कर देते हैं उसमें से, और वो जो शेल है वो फायरिंग के बाद बहुत ज़्यादा पीसीज में, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई इस तरफ चले गया, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, इस तरफ, यानी वो डिस्पर्स हो जाता है मुख्तलिफ डायरेक्शन में। तो अब आप देखें कि हर सेगमेंट का कोई ना कोई मैस तो होगा और हर सेगमेंट की कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका कोई ना कोई मैस होगा, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी, इस फ्रेगमेंट की भी कोई ना कोई मैस और कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है इस सिस्टम का वो इन सब के मोमेंटम के एडिशन के बराबर होगा, यानी कि आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो मोमेंटम है बिफोर उसके जेट यानी बम्बर जेट से जो आप शेल फायर करेंगे, फायर करने से पहले तो उसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है, लेकिन आप अगर आफ्टर की बात करते हैं यानी बाद के मोमेंटम की बात करते हैं, तो वो इन सब के मैसेज के एडिशन के बराबर हो जाएगा। मैसेज मतलब इनके मोमेंटम के मैसेज नहीं बल्कि मुझे मोमेंटम कहना चाहिए, लेट्स से किसी फ्रेगमेंट वन कह लेती हूँ, इसे टू, इसे थ्री, तो क्या होगा कि एम वन वी वन, एम टू वी टू, सिमिलरली एम थ्री वी थ्री एंड सो ऑन। तो ओवरऑल जो मोमेंटम होगा वो हमेशा इनके प्रोडक्ट के जो, इनके जो मोमेंटम है उनके सम के इक्वल होगा, यानी कि एक फ्रेगमेंट का मोमेंटम उसके अंदर दूसरे का ऐड कर लिया, तीसरे का ऐड कर लिया, सबका ऐड करके आप ओवरऑल मोमेंटम बताएंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूँ स्नूकर में, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी जब आप एक बॉल से दूसरी बॉल को हिट करते हैं, यानी कि आप जब वाइट बॉल रेड बॉल के साथ टच करते हैं, तो कोई बॉल जो है वो आगे की तरफ स्लो वेलोसिटी से जाती है, कोई तेजी से जाती है, कोई हल्की वेलोसिटी से, तो हर जो बॉल है उसका मैस तो इक्वल होता है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। तो उनका भी जो मोमेंटम है वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका भी जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, जो उनका मोमेंटम है क्योंकि वो तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंज हुआ है ना, बाहर की फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स तो उनके ऊपर एक्ट नहीं की ना जिसकी वजह से वो चेंज हुआ, वो तो अपनी इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंज हुआ है। तो उनका जो मोमेंटम होता है आफ्टर हिटिंग, यानी कि उसको जब हिट किया जाता है वो स्टिक के साथ, उसके बाद जो उनका मोमेंटम होता है वो हर बॉल के मोमेंटम के सम के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो मोमेंटम का लॉ भी, जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम है, वो भी वेरीफाई हो जाता है कि जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। और अब भी हम जो स्नूकर या ये जो बम्बर जेट की बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस सिस्टम में अगर कोई चेंजेस आती हैं, चेंजेस वगैरह, तो इसकी इंटरनल एक्सप्लोसिव फोर्सेज या इंटरनल फोर्सेज की वजह से आती हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पर एक्ट नहीं करती। जिस तरह की अगर मैं ये बात करूँ कि बम्बर जेट है, तो इसमें एक्सप्लोसिव फोर्सेज हुई होंगी और उन्हीं फोर्सेज के चेंजेस की वजह से इसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया, लेकिन मोमेंटम ओवरऑल जो है वो सेम है। वो सेम इसलिए कि हमने हर फ्रेगमेंट का मोमेंटम जो है वो एडअप कर लिया। और अगर स्नूकर की बात की जाए, तो उस सिस्टम के अंदर हर बॉल का मोमेंटम हो सकता है चेंज हो, और ओवरऑल जो मोमेंटम है वो उनके एडिशन के इक्वल हो गया, वो भी सेम आ गया, यानी कि बिफोर और आफ्टर जो मोमेंटम है वो सेम रहता है, कंजर्व रहता है उस सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, गन की एग्जांपल जैसे कि हमने ली रॉकेट के लिए, इसके अलावा जो है और भी बॉल वगैरह किसी भी चीज़ की जो है आप एग्जांपल मोमेंटम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो होप्स आपको गन की एग्जांपल और रॉकेट वगैरह की एग्जांपल से काफ़ी हद तक मोमेंटम के बारे में क्लियर हो चुका होगा।
کہ مومنٹم کس طرح سے ہماری ڈیلی لائف میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اسے ہم لوگ کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ.